प्रश्नावली एक का सातवां प्रश्न साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू टू कॉसिक थीटा ये प्रूफ करना है एल एच एस आर एच एस है ना? तो साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हो गया हमारा एल एच एस और लाना क्या है टू कॉसिक थीटा है न सिद्ध करना है कि इतना इसके बराबर है ये सिद्ध करना है तो सातवा प्रश्न में हम लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड साइन अपॉन वन प्लस कॉस और वन प्लस कॉस अपॉन साइन साइन थीठा अपॉन वन प्लस थीटा प्लस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा ठीक है इस फिर से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं मिलेगा क्या वन प्लस थीटा और वन प्लस साइन थीटा तो यहाँ से वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा काटा बचा क्या साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा और प्लस यहाँ से वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा कट गया बचा क्या कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा ये बचा ठीक है अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं वन प्लस कॉस्ट थीटा अपॉन साइन थीटा है वन प्लस साइन थीटा नहीं वन प्लस कॉस्ट थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ पे वन प्लस कॉस्ट थीटा। है वन प्लस कॉस्ट थीटा अपॉन साइन थीटा दोनों कैल्सियम लेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा वन प्लस इन टू साइन थीटा इन दोनों में साइन ठीटा साइन थीटा कट गया बचा क्या वन प्लस sin sin का होल स्क्वायर ठीक है अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो ए स्क्वायर मीन्स वन प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी मीन्स टू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर वन प्लस थीटा टू साइन थीटा अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा तो वन प्लस वन हो जाएगा टू है ना कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन इन sin साइन थीटा यहाँ पे क्या हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन होता है है ना साइन स्क्वायर थीठा सॉरी साइन स्क्वायर थीठा और कॉस स्क्वायर थीटा इजल टू वन तो साइन स्क्वायर थीठा कॉस स्क्वायर थीटाजन और ऑलरेडी वन है वन है ना प्लस वन करके और फिर प्लस टू थीटा है ना अपॉन वन प्लस कॉस्ट थीटा इंटू साइन थीटा तो वन और वन टू प्लस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस्ट थीटा इंटू साइन थीटा दोनों में से टू कॉमन दिख रहा है निकाल देते हैं बचेगा क्या वन प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस थीटा तो वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा एक दूसरे से कट गया ऊपर नीचे टू अपॉन साइन थीटा है ना या फिर इसको लिख सकते हैं टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा है ना तो टू इंटू थीटा वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा इज्यूकल टू वन अपॉन साइन थीटा होता है इसीलिए क्या आ गया टू इनटू कॉसेक थीटा ये आ गया हमारा आरएचएस राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड ठीक है नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न यदि थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर टू साइन थीटा हो तो सीधे कीजिए कि थीटा प्लस साइन साइनिटा इक्वल टू रूट ओवर टू थीटा इसी प्रकार से एक प्रश्न हमने देखा था उदाहरण छः में थीटा प्लस साइंटिटा इज इक्वल टू रूट ओवर टू थीटा हो तो सीधे कीजिए कि थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्ल टू रूड टू साइंटिटा होगा ये है छठवा प्रश्न और इसी से मिलता जुलता यहाँ पे आठवा प्रश्न दिया हुआ है हम्म यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ टू मतलब एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है अगर ऐसा है तो ये सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ टू साइन थीटा है है ना तो पहले इसको लेंगे जो दिया है उसको दिया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रू डॉ टू साइन थीटा है आठवा प्रश्न कॉस्थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूड ऑटू कॉस थीटा है रूट ऑ टू साइन थीटा है साइन थीटा है ठीक है ये दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से हम साइन थीटा को इस पर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस ठीटा इजिकल टू रूट डॉ टू साइन थीटा माइ माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा क्योंकि ये साइन थीटा में है है ना रूट और टू साइन थीटा तो साइन थीटा साइन थीटा वाले को एक तरफ ले आए अब कॉमन निकालेंगे तो कॉस थीटा इज टू दोनों में से साइन कॉमन निकला साइन थीटा तो बचा क्या कॉस रूड ओ टू प्लस वन इस तरफ क्या बचा वन ठीक है अब साइन थीठा टू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर टू प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं है ना साइन थीटा का एक वैल्यू मिल गया कॉस के रूप में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर टू प्लस वन अब इसका क्या लेंगे हर का परिमेय करण तो रूट ओवर टू माइनस वन अपॉन रूट ड ओ टू माइनस वन रूट रू टू प्लस वन रूट ड ओ टू माइनस वन दोनों का गुड़ा किया तो ऊपर ऊपर अब ऊपर में गुड़ा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू रूट ड ओ टू माइनस वन ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन थीटा साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करने पे क्या मिलेगा रूट ड ओ टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट और टू ए सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र हम दिख रहा है तो ए का स्क्वायर मीन्स रूट ऑर टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं है ना अब साइन थीटा इज इक्वल टू टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन टू माइनस वन टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू टू रूट और टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉस थीटा इस तरफ आया तो बचा बन गया क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रू डो टू कॉस ठीटा क्या लाना था हमें अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये लाना था कॉस्ट डीटा प्लस साइन ठीटा इजल टू रू डो टू कॉस ठीटा यही लाना था और यही आ गया है ना इसको क्या लिख सकते हैं कॉस्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कॉस ठीटा प्लस साइन ठीटा इज इक्वल टू रू डो टू कॉस ठीटा लाना था है ना अगर ये है तो ये सीधा करो ये लाना था आ गया हैं प्रूव्ड ठीक है नेक्स्ट देखते इसके बाद नवा प्रश्न है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे डिफरेंट तरीके से बनेगा ठीक है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का तो दिया है यदि टेन थीटा इज इक्वल टू एन टेन फाइव है इस प्रकार का निशान को फाइव पढ़ते हैं ठीक है तथा साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाइव है टेन थीटा इजल टू एन टेन फाइव है और साइन थीटा इज इक्ल टू एम साइन फाइव हो तो सीधा कीजिए कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन ये सीधे करना है अगर ये हो तो ये तो दिया पहले उसको लिख लेते हैं और सीधे करना है उसको तो लाना है हमें ठीक है नौवा प्रश्न दिया है क्या दिया है कि टेन इजल टू एन टेन फाइव और साइन M, M है एन टेन फाइव और एम साइन फाइव ये दोनों दिया हुआ है प्रश्न में ठीक है तो हम टेन थीटा इजल टू एन टेन फाइव से क्या निकाल सकते, है? सकते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू टेन थीटा n एन लिख सकते हैं टेन फाइव को थीटा के रूप में लिखना हो तो टेन फाइव इज इक्वल टू फाइव टेन फाइव इज इक्वल टू एन क्या हो जाएगा टेन थीटा के अपॉन में चला जाएगा यह हो गया समीकरण एक उसी प्रकार से यहाँ पर साइन फाइव का वैल्यू हमें मिल जाएगा साइन फाइव के रूप में टेन साइन टेन साइन थीटा के रूप में साइन थीटा अपॉन एम ये हो गया समीकरण दो इन दोनों चीज़ों से ये दोनों चीज़ हमें मिल जाएंगी ठीक है अब हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इजिकल टू कौशिक स्क्वायर थीठा होता है हम इसको क्यों ले रहे हैं क्योंकि यही कॉट God और cosec है जिसमें हमें टेन और साइन दोनों मिलता है है ना तो कॉट को हम टेन के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं वन ओ टेन लिख सकते हैं अगर साइन के रूप में लिखना चाहे तो कॉस ओ साइन लिख सकते हैं है। तो है। उसी प्रकार से cosec को वन ओ साइन के रूप में हम लिख सकते हैं अगर हमें लिखना हो तो ठीक है तो यही दोनों यही रिलेशन है जो जिसमें साइन और टेन दोनों हमें मिलेगा इस वजह से इस रिलेशन का यूज़ करेंगे ठीक है अब ये हो गया मान लीजिए हमारा समीकरण तीन ये हम जानते हैं अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि चूँकि टेन फाइव इज्कल टू क्या लिख सकते हैं टेन फाइव को अगर कॉड के रूप में लिखना है तो टेन फाइव टू लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट फाइव ये लिखा जा सकता है उसी प्रकार से साइन फाइव को लिख सकते हैं वन अपॉन कौशिक फाइ ये लिख सकते हैं साइन फाइव और टेन फाइव को हम वन अपॉन कॉट वन अपॉन साइन फाइव भी कौशिक फाइव भी लिख सकते हैं है ना ट फाइव वन अपॉन कॉट फाइव लेकिन वन अपॉन कॉट को मेरे को सिर्फ कॉट में वैल्यू चाहिए तो वन अपॉन कॉट को अगर मैं कॉट कर कर करने जाऊँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन ठीक है ये टेन अपॉन वन है अगर इसको मैं उल्टा करना चाहूँ तो इसको उल्टा भी करना पड़ेगा तो अगर मैं वन अपॉन टेन फाइव लिखती हूँ तो ये वन अपॉन्ट काट हो क्या हो जाएगा कॉट फाइव हमें कॉट फाइव का वैल्यू मिल जाएगा किस रूप में वन अपॉन टेन के रूप में ठीक है और क्या क्या हो सकता है तो समीकरण एक से हम लिख सकते हैं टेन फाइव के जगह में हम्म टेन फाइव की जगह हमें वन अपॉन टेन लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमें कॉट फाइव के रूप में बदलना है ठीक है अब अगर टेन फाइव को अगर वन फाइव वन टेन लिखा जा रहा है समीकरण तो एक से इसमें भी वही फॉलो होगा टेन फाइव के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब वन है तो इसको अगर वन अपॉइन टेन फाइव किया जा रहा है तो ये भी एन अपॉन टेन ठीठा हो जाएगा ठीक है और वन 10 टेन फाइव हमें पता है क्या वैल्यू होता है Upon, upon, समीकरण दो से यहाँ पर भी साइन फाइव है तो उसको वन अपॉन साइन फाइव अगर लिखना है तो एम अपॉन साइन थीटा हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा अब हमें पता है वन अपॉन साइन किसका वैल्यू है कौशिक का है ना तो कौशिक थीटा सॉरी इज इक्वल टू एम साइन थीटा तो कॉ फाइव और कॉशिक फाइव का वैल्यू हमें पता चल गया ये वाला रिलेशन में रख सकते हैं थीटा के रूप में नहीं लिखे इसको फाइव के रूप में लिखना है तो थीटा और थीटा का, थीटा, का थीटा का हमें वैल्यू पता चल गया समीकरण तीन में रख देंगे वैल्यू लाना क्या है हमें ये, ये देखते पहले लाना है कॉस स्क्वायर थीटा मतलब थीटा में भी चाहिए और कॉस में भी चाहिए वैल्यू माइनस वन चाहिए माइनस वन और एन स्क्वायर माइनस वन तो माइनस वन कहाँ से आएगा इसी रिलेशन से आएगा क्या करेंगे सिर्फ वन चाहिए ना तो ये वाला रिलेशन में वन लाना है हमें तो क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो मिलेगा क्या कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हमें पता है कि कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन और यहाँ पर से कौन सा कौन सा समीकरण ये हो गया एक मिनट ये हो गया समीकरण चार और ये हो गया समीकरण पाँच समीकरण चार और पाँच से कोशेक और कॉट का वैल्यू रख देते हैं तो कौशिक फाइव कौशिक फाइव ना ठीठा नहीं कौशिक फाइव और कॉट फाइव का वैल्यू रख देते हैं तो कौशिक फाइव का वैल्यू क्या है एम अपॉन साइन ठीठा क्या हो जाएगा इससे फाइव जो वाला है फाइव जो के रूप में जो मान दिए हुए हैं वो थीटा के रूप में बदल जाएंगे ठीक है क्योंकि कौशिक फाइव और कॉट फाइव का वैल्यू हमें टेन थीटा और साइन थीटा के रूप में मिला हुआ है ना सभी समीकरण चार और पाँच में तो कौशिक फाइव अप की जगह में हम लिखेंगे वन अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि इस कौशिक स्क्वायर है माइनस कॉट फाइव कॉट फाइव का वैल्यू रख देंगे एन अपॉन टेन थीटा का स्क्वायर यहाँ पर से हमें एम स्क्वायर और एन स्क्वायर और वन भी यहाँ पे मिलेगा अगर हम एम वन को इस तरफ ले आएंगे तो एम स्क्वायर माइनस वन और इसी वन को इस तरफ ले आएंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन भी मिल जाएगा और सभी वैल्यू थीटा में भी आ गया यहाँ तक तो बन गया ठीक है चाहिए हमें कॉस थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू एम स्क्वायर माइनस वन और एन स्क्वायर माइनस वन ये चाहिए एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीठा इज इक्वल टू वन दोनों एल एच एस लेते हैं सॉरी एल सी एम ले लेते ले हैं क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा इन टू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन साइन काटा बचा क्या एम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस कॉस काटा बचा क्या एन स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये मिला एक सेकेंड ये टेन है कॉस नहीं है तो साइन थीटा माइनस टेन थीटा को बदलेंगे हम साइन और कॉस के रूप में तो साइन थीटा अपॉन थीटा होता है टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन एम अपॉन साइन स्क्वायर 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 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस एन के इंटू चले जाएंगे तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन दोनों में से वन अपॉन साइन कॉमन निकाल लेते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो बचेगा क्या यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा इक्वल टू वन ठीक है अब ये साइन स्क्वायर थीठा को इस तरफ लेके जाएंगे तो वन से इंटू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ इंटू हुआ तो साइन स्क्वायर थीठा या आया साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं क्या फार्मूला होता है अगर कॉस के रूप में बदलना है क्योंकि हमें साइन को हटाना है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए कॉस के रूप में है ना तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीठा इजिकॉल टू साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीठा है, है न अब कॉस स्क्वायर थीठा को इस तरफ ले आते हैं बाकी चीज़ को <coughs> सेकेंड वन को इस तरफ और एक मिनट वन को इस तरफ और एन माइनस मी, को माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आते हैं तो एम स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा प्लस वन इस तरफ आके माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर एन क्या है माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ से एक दोनों से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकला कॉस स्क्वायर थीटा बचा क्या एन स्क्वायर माइनस वन ठीक है उसके बाद बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर इन टू में है एन स्क्वायर माइनस वन इसके अपॉन में चल जाएगा इस तरफ आएगा तो तो एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन यही लाना था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस सॉरी एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये अपॉन का साइन है ना एन स्क्वायर माइनस वन यही लाना था यही आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन हैंस प्रूव्ड, ठीक है नेक्स्ट देखते इसके बाद दसवां प्रश्न यदि एक्स इज इक्वल टू ए कौशिक ठीठाता था वाई इज इक्वल टू बी कॉ ठीठा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होगा ठीक है ए और x और y का वैल्यू दिया हुआ है और सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये सिद्ध करना है तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं ए जिकल टू ए कॉशेक टीटा बी जुकल वाई जुक्ल टू एक्स इजल टू ए कॉशेक थीटा और वाई जिकल टू बी कॉट टीटा ए कॉसिक थीठा और वाई इज इक्वल टू बी कॉ थीठा ठीक है <coughs> ये दिया हुआ है और सीधे क्या करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये हमें सिद्ध करना है क्या करेंगे ये हो गया समीकरण एक ये हो गया समीकरण दो समीकरण एक व दो का वर्ग करेंगे क्योंकि वाई एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का चाहिए वैल्यू हमें है ना वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर एक इज एक इक्वल टू ए कॉसिक थीटा का स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इस इक्वल टू पहले इसको ब्रिकेट मट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा ए स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा उसी प्रकार से वाई स्क्वायर बी समीकरण समीकरण दो का वर्ग करने पे बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ये होगा ठीक है तो जो सीधे करने है उसका एल ले लेते हैं लेफ्ट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है राइट हैंड साइड वन ले आते हैं एक्स स्क्वायर के जगह हमें वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पर से समीकरण तीन मान लेते हैं इसको ठीक है ये समीकरण चार समीकरण तीन और चार से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं ठीक है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर कौशिक स्क्वायर ठीठा अपॉन ए स्क्वायर माइनस समीकरण चार से वाई स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर दोनों से ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया बचा क्या कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और हमें पता है कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है वन चूँकि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कौसिक स्क्वायर थीटा होता है अतः एक सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कौ स्क्वायर थीटा होता है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो मिलेगा क्या स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये कॉट इस तरफ आ गया तो मैचा गया क्या वन है ना तो हमें पता है कि कौशिक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है हैंस प्रूव्ड है ना ये हमारा आर एच एस आ गया राइट हैंड साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया हैंस प्रूफ्ड वन लाना था इसके बराबर में आ गया चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ये ग्यारहवा प्रश्न एक्स इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस ए वाई इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी और जेड इज इक्वल टू आर कॉस ए हो तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर इजिक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है इसमें भी एल एच एस नहीं ले सकते आर एच एस लेंगे क्योंकि एल एच एस आर स्क्वायर है सिंपल है ना और आर एच एस जो है बड़ा है तो इसी से वैल्यू से हम सब जो दिया है मान इसको रखेंगे उसके बाद आर स्क्वायर के बराबर में लेके आएँगे तो क्या दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस ए जो दिया उसको लिख लेते हैं दिया हुआ है समीकरण एक इज इक्वल टू आर आर साइन ए सैन सी आर सैन ए सी और जेड इक्वल टू आर साइन ए आर कॉस ए जेड इक्वल टू आर कॉस ए कॉस ए योग या समीकरण दो योग या समीकरण तीन अब क्या करेंगे समीकरण एक दो और तीन का वर्ग करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए सीधे क्या करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये सीधे करना है सबका स्क्वायर में वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है सबका स्क्वायर में वैल्यू ले आएंगे समीकरण एक दो और तीन का समीकरण एक दो व तीन का वर्ग करने पर समीकरण एक का वर्ग एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट करने पे पहले क्या करेंगे अगर हमें करना है तो होल स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर को ओपन करने पे हमें मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए उसी प्रकार से समीकरण दो का वर्ग करने पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी उसी प्रकार से समीकरण तीन का वर्ग करने पर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अब क्या कर रहे हैं इसमें का आर एच एस लेते हैं जो सीधे करना है उसमें का टेक आर एच एस, एस राइट हैंड साइड क्या रेट है साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ये है समीकरण चार समीकरण पाँच समीकरण छः समीकरण चार पाँच और छः से एक्स वाई जेड का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे ठीक है एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए ठीक है इज इक्वल टू क्या क्या दिख रहा है कॉमन निकलेगा क्या हाँ यहाँ पर से

साइन स्क्वायर सी दिख रहा है तो इन दोनों में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आर के साथ कॉमन निकाल सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन निकल गया बचेगा क्या कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी ये बचा है ना प्लस क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू होता है वन है ना सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वन तो वन लिख देंगे उसकी जगह में प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बचा है, ठीक है तो आर स्क्वायर इंटू वन चूँकि साइन स्क्वायर ठीठा प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू होता है वन यही हो जाए दोनों तरफ तो आर स्क्वायर इंटू वन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ गया आर एच एस को पकड़ के हम एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे हैं प्रूव्ड ठीक है इसी प्रकार से ये ग्यारह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्व समीका व त्रिकोण मिति समीकरण किस प्रकार से त्रिकोण मिति समीकरण हम बनाएंगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको